जी दोस्तों, तो क्या हालचाल है आप सबके। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी ठीक ठाक से होंगे। और दोस्तों, सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है। तो आज जो है, आज फिर से एक बार मैं जा रहा हूँ हमीरपुर में, मैं और साथ में नेहा। हाय। तो देखते हैं बारिश, दोस्तों देख सकते बारिश का जो के कह रहा है वो जारी। अभी जो है शायद शांत हो जाए बारिश, लगता है ऐसा। लेकिन बादल तो बहुत घनघोर काले काले बादल जो है वो छाए हुए हैं। हाँ है, लेकिन अगर हम कहीं ठिकाने तक पहुंच जाते ना, डंगार तक पहुंच जाते तब भी क्यों नहीं है ना। तो सुबह से ही बारिश ने जो था वो घेर लिया है। फिलहाल बारिश जो है वो हल्की हुई और हमने कदम उठाया कि हम जो है स्कूटी पे निकल जाएंगे। और अगर रास्ते में बारिश लगती है तो फिर डंगार से जो है वो हम बस ले लेंगे। तो भाई सीखते आगे। तो गाइस अपना यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। देखिए कितने स्कूटी लगी हुई है और सैम ने जो गैरेज बनाई हुई है तो उसके पास जो हम पहुँच गए हैं। तो अब जो आप देखेंगे कि बारिश कितनी देर तक चुकती है, अगर चुकती है तब भी, नहीं चुकती है तब भी करना तो पड़ेगा कुछ तो कुछ, क्योंकि आज ज़रूरी जाना है। नेहा देखिए स्कूटी पर बैठ गई है। नेहा सोच रही है कि उड़ के चले जाऊँ, है ना। तो वैसा क्या करूँ अब, बारिश के आगे मेरी भी शेख ही नहीं है, आपकी भी नहीं है। क्यों हैं, बारिश लग गई है, बारिश जोरों पे लगी हुई है। तो गाइस फिर से हे माता रानी, आधा घंटा दे दो हमें डंगार तक पहुंचने के लिए। 25 मिनट में डंगार में पहुंच जाऊंगा। हम तो रेडी हैं चलने के लिए, लेकिन चलो भगवान के आगे क्या मर्जी। तो देखिए बारिश जो है रिम जिम लग पड़ी है और साथ में नेहा सोच रही है कि कैसे जाएँ, कब चलेंगे, कब बरखा बारिश जो थमेगी। तो देखते हैं अब बारिश कब थमेगी। बारिश जो है बहुत धीमी हो गई अभी। तो अब जो है मन में आया हमने कि हम निकल पड़ेंगे अभी, क्योंकि ज़्यादा वक्त हमारे पास है नहीं। क्यों नहीं हवा चलते हैं बिना। तो गाइज अभी जो है, अभी हम स्कूटी पे बैठ चुके हैं और यहाँ से निकल चुके हैं जिनवाड़ा से। तो बारिश जो है दिखा गाइज, मौसम देख सकते हैं बादल है, थोड़ा सा धूप है। तो चलते हैं गाइज आपको लेके अभी हमीरपुर में। आप कहीं जाके फाइनली जो है वो मेरा काम हो गया। आपको पता है मैंने 4 दिन से ब्लॉग लगातार हमीरपुर की फेरी डाल रहा था, जो कि गौतम जो है यहाँ का कॉलेज। तो यहाँ पे नेहा को एडमिशन ली है और साथ में हमारे जो कि टीचर्स हैं और प्रिंसिपल साहब जी अभी दूसरे रूम में हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत बिल्कुल गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारा जो कि किसका सपना था वो पूरा हो गया। अभी आगे का तो पता नहीं, लेकिन नेहा बेटा बहुत बहुत थैंक्स करिए, धन्यवाद करें और भगवान का शुक्रिया। ठीक है मैम, ओके जी, बाय बाय। तो गाइस अभी मिलता हूँ आगे। तो आज बहुत खुशी हो रही है। ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि जैसे कि
किसी भी बच्चे के लिए कोई चीज़ करनी हो तो अच्छा लगता है। तो मिलते हैं आगे गाइस। तो गाइस ये है ऐसा यहाँ पे हॉस्टल, तो वो पार आप सबने देख सकते हैं, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, और साथ में स्टूडेंट्स इस को भी। था आज का मेरा जो के टूर, तो आपको पता है कि ऐसे में दोस्तों बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और साथ में ये बच्ची भी थी। हेलो बेटा, हाय कर लो पहले। तो ये दोनों जो थी शर्मा रही थी ड्रेस के लिए, जब ड्रेस का नाप ले रहे थे। तो बच्चे आपको पता है कि मेहनत करना बेटा आपने ना, ठीक है फिर बाय। फिलहाल हम यहाँ से नीचे पड़ेंगे, और नेहा भी साथ में, और ये थे हमारा कश्मीरी ज्वेलर जो कि पीछे आप देख रहे हैं। शॉप बहुत बड़ी शॉप है, अगर कुमार अपने हमीरपुर में आप आएँ तो गांधी चौक के समीप में यही है, और साथ में आपको पूरा मैंने बता दिया है। तो अगर यहाँ पे आप आएँ तो बेझिझक जो है यहाँ पे आप सोना खरीदें, और सबसे कम दामों में यहाँ पर मिलते हैं, और उच्च क्वालिटी में मिलते हैं, और पूरी जो कि गाइस यहाँ पर जरूर आएँ, और यहाँ पर आके जो कि गुठी अंगूठी हार जो भी चीज़ आपको चाहिए तो उचित मूल्य में मिलेंगे, तो 100% गारंटी है। तो दोस्तों चलते हैं अब आगे, अब हम चलेंगे अपना खाना वाना, आज कहीं नहीं होगा तो नेहा के आज नानके में होगा खाना, है ना। तो अब होटल में आज नहीं खाएंगे, तो आज नानके में खाएंगे, और मामी भी इसकी खुश होगी, नाना नानी भी खुश होंगे, सभी खुश होंगे। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew.
चाचा जी के दिन शॉप पे स्कूटी लगाई अभी तो ग्यारह जो है अंदर रखे। और गाइज अभी जो है अभी हम पार जा रहे हैं सड़क क्रॉस करके, तो अब जो है हम निकल रहे हैं नेहा के ननके में। तो आपको नेहा आगे आगे चल रही है। नेहा ओए नेहू, थकी थकान हो गई ना? तो गाइज बहुत ज़्यादा थकान हो गई। तो अब जो है हम नेहा के ननके में पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ से टर्न हो रही है नेहा के नानी हाल। गाइस पल्लू देख सकते हैं, पल्लू को पीछे, पल्लू बीमार चली थी थोड़ी सी, और साथ में कंचन और बच्चे तो सोए हुए थे, तो भी हम भी सोए थे, वह रेस्ट किया। और अब नेहा चल बड़े हैं, तो गाइस नेहा को भी देख सकते हैं, खुश है आज, थोड़ा खुश तो है ना। और साथ में काश भी। सो रही है, जाग रही है, चुपके से देख रही है। तो गाइस बच्चे तो बच्चे होते हैं, आपको पता है, तो चलते हैं। तो दोस्तों अभी जो है अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, और आज स्कूटी जो है स्कूटी नीचे लगाई। चलो वो मुन्नू रो रहा, देखो गाइस तो मुन्नू जय मुन्नू रो रहा। मुन्नू बहुत ज्यादा रो रहा है, वो कि नेहा नेहा से बहुत ज्यादा प्यार करता है नेहा। तो गाइस देखिए बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो बहुत ज्यादा रो रहा था कि दीदी को यहीं रख दो बोल रहा है, या साथ में चलूंगा, दीदी दीदी बोल रहा है। तो ऐसे में तो दोस्तों आपको पता है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे जुड़वा, तो अगर ले जाते तब भी इसने बोलना था, नीचे तक जाना था, मैंने फिर बोलना इसने घर को चलना मैंने, तो इसलिए हम नहीं लेके आए इसको। तो दोस्तों अभी जो है अभी यहाँ से निकल पड़े हैं, और साथ में तो मैं अभी घर में आपको काम से ज़्यादा पाऊँगा, एक थोड़ा सा काम मुझे अपना है पर्सनल, तो मैं वहाँ पर भी जाऊँगा अगर टाइम लगा, नहीं तो कुछ घर में जाके घास वगैरह काटेंगे। डंगार में पहुंच चुका हूं और तेल जो है भरवा रहा हूं। आपको पता है जब हमीरपुर के लिए गया था तो तेल तो लग गया। अब कहीं जाके फाइनली घर में पहुंचा हूं, और बिल्कुल जो अभी धूप कर रहा है, तो हाय कर लो धूप आप। तो दोस्तों अभी घर में पहुंचा हूं कि एक जगह पे गया था तो कुछ काम था, वहां पे आपको व्लॉग नहीं बना सका। किचन में पहुंच चुके हैं, तो खाना जो है खाना बना उन्होंने बना के रखा हुआ है, और काफ़ी आपको पता है हरा सब बहुत ज़्यादा हुई। तो अभी जो है दोस्तों आज के ब्लॉग का करता हूँ यहीं पे एंड। आशा करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग जो है पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टा आई डी को फॉलो करना मत भूलिए। इंस्टा आई डी है मेरी पहाड़ी मुंडा 23। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।